प्यारे राधे राधे, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो जरा जोर से बोलेंगे राधे 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 राधे। आइए हम सभी दुनिया के ऐसे महाग्रंथ का मंगलाचरण करने चल रहे हैं। सभी शांति से, बच्चे बिल्कुल शांति से, आप सभी मुक्ति की कथा सुन रहे हैं और इतनी भारी संख्या में सुन रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता है। जरा ध्यान से श्रवण करेंगे, सावधानी पूर्वक श्रवण करेंगे तो शायद आपके लिए विमान आ जाएगा। हाँ, दुनिया का ऐसा अद्भुत ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके प्रथम स्कंद के पहले श्लोक का मंगलाचरण हम सभी करने चल रहे हैं, जिसमें किसी देव विशेष की वंदना वेदव्यास जी महाराज ने नहीं की। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरश्च चार्थे सविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। मानो आज श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना कर रहे हैं, सत्य को परिभाषित कर रहे हैं, और सत्य को इस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, इस तरीके से सत्य की वंदना कर रहे हैं कि मानो सत्य ही नारायण है, सत्य ही ब्रह्मा है, सत्य ही विष्णु है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही शिव है, और सत्य ही माता लक्ष्मी है, सत्य ही माता पार्वती है, और सत्य ही भींगोडी में बैठी सत्यंडी महारानी महायज्ञ में दुर्गा मैया है। प्रेम से बोली दुर्गा महारानी की जय हो। इस कलयुग में जो धर्म का एक पैर बचा है वो सिर्फ सत्य है। मानस में भी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर दूसर सत्य समाना, आगम 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 निगम पुराण बखाना, आगम निगम धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम आगम 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 निगम पुराण 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 बखान। प्रेम से बोली सत्य सनातन धर्म की जय हो। मानो सत्य को ऐसा परिभाषित किया श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी महाराज,
कि दुनिया के सभी देवी देवता की वंदना आज मैं सत्य सत्य कह करके कर रहा हूं। आप सभी को पता है ना, सत्य का अर्थ राम, सत्य का अर्थ कृष्ण, सत्य का अर्थ गोविंद, सत्य का अर्थ ब्रह्मा, सत्य का अर्थ विष्णु। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण जी को बार बार सत्य कहकर पुकारा गया है। अरे यहां तक कि जब भगवान माता देवकी के गर्भ में आए ना, तब भी सभी देवताओं ने प्रभु की वंदना सत्य सत्य कहकर की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य शतमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में प्रभु कहना चाहते हैं कि धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोनमूलम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्य हृदो वरुध्यते तकृतिवे शुश्रुवेति सत्क्षणात्। मानो कहना चाहते हैं कि भैया अगर धर्म सत्य बोलना है तो परम धर्म क्या है। अरे अगर इस दुनिया में और इस कलयुग में धर्म है सत्य बोलना तो परम धर्म क्या है। मानो कहना चाहते हैं कि भैया धर्म तो है सत्य बोलना और परम धर्म है पंडाल में बैठ के शांति से कृष्ण जी की कथा सुनना। बोली बांके बिहारी सरकार की जय हो। और भागवत की ऐसी महिमा है कि कथा सुनना तो बाद में, अगर कथा सुनने की भावना भी अपने हृदय में आप सभी बना लिए तो लिखते हैं कि सद्यो हृदो रुध्यते कृतवे। भावना बनाते ही मेरे हृदय में सरकार आकर अवरुद्ध हो जाते हैं, कोई जान कर भी अगर निकालना चाहे तो निकलते नहीं। इसलिए बोली भागवत महापुराण जय हो। और तृतीय मंगलाचरण में तो इतनी सुंदर बात बताई, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादम मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम का अर्थ है वेद, निगम का मतलब वेद, और वेद रूपी जो वृक्ष है ना, इसका पका हुआ जो परिपक्व फल है उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज ये कैसा है फल, मीठा है कि खट्टा है। अरे बोले गांव में भी किसी पेड़ में पके हुए फल की और मीठे फल की पहचान लगाई जाती है कि अगर किसी फल में तोते ने मुख मार दिया है तो लोग कहते हैं कि बहुत मीठा होगा। इसलिए इस फल में परमहंस स्वामी श्री सुखदेव मुनि महाराज का मुख लगा है, उनके मुख से गाया हुआ है, इसलिए मीठे होने की तो गारंटी है। और पिबत भागवतम रसमालयम, इसे कब तक पिएंगे, मोक्ष पर्यंतम, तब तक पियो क्योंकि इसमें गुठली और छिलका कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिठाई ही मिठाई है। तब तक पियो जब तक कि मोक्ष न हो जाए, स्वर्ग से विमान ना जाए। एक मैया ने पूछा था, जरा मेरी माताओं की संख्या ज्यादा है ध्यान से सुनेंगे। एक मैया ने कहा महाराज, महाराज परीक्षित के लिए स्वर्ग से विमान आया,
भागवत सुनने से, धुंधकारी के लिए विमान आया भागवत सुनने से, और मैंने पचासों कथा सुनी मेरे लिए विमान नहीं आया। पूरे नियम से सुनती हूं महाराज, फलाहार करती हूं, चटाई पर सोती हूं। अब आप बताओ इसका क्या जवाब है। मंगलाचरण के तृतीय श्लोक में खुद ही है कि मुहुरोहो रसिका भूई भाव का पिबत भागवतम रसमाल्यम, तब तक पियो जब तक विमान ना आ जाए। पीते रहो। बोली भागवत महापुराण की जय। सबसे पहले भागवत को भगवान श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को चतुष श्लोकी भागवत के रूप में सुनाया, और ब्रह्मा जी से नारद जी को प्राप्त हुआ, और नारद जी से वेदव्यास जी महाराज को प्राप्त हुआ, और वेदव्यास जी महाराज से उन्हीं के पुत्र परम भागवत स्वामी सुखदेव मुनि जी को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी से मानो आज सुखदेव मुनि जी महाराज महाराज परीक्षित को लक्ष्य मानकर समस्त संसार को एक मुक्ति का साधन बताकर इस भागवत को परोस दिए। बोलिए सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। आइए हम सभी ऐसे परम भागवत स्वामी सुखदेव मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम दैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कभी भोजन करके तो कह सकते हैं कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन जिन भक्तों ने, जरा ध्यान से सुनेंगे, जिन भक्तों ने कभी ये कह दिया कि मैंने तो 3 घंटे कथा सुनी, मैंने तो नवाह पारायण किया, 9 दिन तक मानस का पाठ किया, यानी अगर आपके मन से ऐसी बात, ऐसी भावना अस्पष्ट हो गई कि भगवान की कथा से मेरा पेट भर गया, तो आपने भगवान की कथा के रस को समझा ही नहीं। क्योंकि मानस में भी बाबा लिखते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष जानाते ही नाही, रस विशेष जानाती नाही, रस विशेष जानाती नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इसलिए भगवान की कथा से कभी ऐसा विचार नहीं बनाना चाहिए कि मैंने 2 घंटे सुन लिया, कि मैंने 9 दिन कर लिया, कि मैंने महीने भर कर लिया। प्रेम से बोली भागवत महापुराण की जय।